जय भैया दोस्तों, एग्जाम्पल परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में। आप लोग पुरुषों का आईपीएल सुने होंगे, अब महिलाओं का आईपीएल भी शुरू होने वाला है और इसका पहला संस्करण है। कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे महंगे के बिके हैं, कौन कौन सा टीम है जो खेलेंगे, इसका पहला मैच कब होगा, इसका अंतिम मैच कब होगा और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो सभी पहलुओं पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दो कि इसमें ये जो मैच होगा कब से स्टार्ट होगा और ये पहला संस्करण है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये पहला संस्करण आप लोग को देखने को मिलेगा। पहला संस्करण, इससे पहले जो है महिलाओं का आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कि प्रीमियर लीग है। आप लोग पुरुष खिलाड़ी का जो आईपीएल के नाम से आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा पॉपुलर भी है भाई आईपीएल, तो इंडियन प्रीमियर लीग आप लोग सुने होंगे। अब महिलाओं का जिसको WPL के नाम से जाना जा रहा है, तो WPL 2023 जो है जल्दी शुरू होने वाला है। इसमें कौन कौन से खिलाड़ी सबसे महंगे रहे उस पर बात करेंगे। तो देखिए BCCI के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है और BCCI ने यहां पर यह घोषणा भी कर दिया है कि इसका मैच कब से होगा, पहला मैच कब से होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज्यादा सवाल जो बनेगा आपसे कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रही। तो यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं जिनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना की अगर बात करते हैं तो स्मृति मंधाना जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलती है और यहाँ पे RCB ने इनको जो है अपने टीम में शामिल किया है। तो RCB जो है यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है ये अपने टीम में इनको शामिल किया है और इनको कितना में बोली लगा था, यानी कि ये जो टीम जो है इनको 3.4 करोड़ रुपया दिया है, 3.4 करोड़ रुपया दिया है। इसके बाद अगर बात करते हैं एक आपको यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है जिनका नाम है एसले गार्डनर जिनको गुजरात जायंट्स ने अपने खेमे में यानी कि अपने टीम में इनको शामिल किया है और इनको मिला है 3.2 करोड़ रुपया। वहीं इन्हीं के समान जो है जिनका नाम है नतालिया स्कीवर की अगर बात करें, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है और इनको मुंबई इंडियंस ने अपने टीम में शामिल किया है, 3.2 करोड़ रुपया दिया है। तो यहाँ पर देख रहे सबसे महंगे खिलाड़ी बोलेगा कि जो महिलाओं का जो आईपीएल होने वाला है जो कि 4 मार्च से शुरू होगा, तो यहाँ पर सबसे महंगे खिलाड़ी जो रही स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ रुपया, 3.2 करोड़ रुपया के साथ एसले गार्डनर दूसरे स्थान पे, तीसरा पे मुंबई इंडियंस के खेमे में शामिल हो गए हैं 3.2 करोड़ रुपया के साथ। और वहीं यूपी वॉरियर में अगर बात करें 2.6 करोड़ रुपया के साथ में कौन शामिल हो गए हैं, तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा जो की भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलती है। और एक और आप लोग को याद रखना है जो कि दिल्ली कैपिटल शामिल किया है जो कि अपना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ही खेलते हैं महिलाओं के टीम में, जिनका नाम क्या है जेमिमा रोडिग्री जो है ये भी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और इनको दिल्ली कैपिटल ने अपने टीम में हासिल किया है, यानी कि दिल्ली कैपिटल के लिए खेलेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला सवाल बनेगा कि सर बताइएगा कितना टीम टोटल हो जाएगा। तो देखो एक तो टीम आपको याद रखना है, एक RCB हो जाएगा, ठीक है, एक आपको मुंबई इंडियंस, ये तो आपको आईपीएल में भी देखने को मिला था, एक आपका आपको याद रखना है दिल्ली कैपिटल। क्या याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल आप लोग को याद रखना है, दिल्ली कैपिटल के बाद आप लोग को याद रखना है गुजरात जायंट्स याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा गुजरात जायंट्स आप लोग को याद रखना है। तो कितना टीम हो गया बुआ, एक टीम हो गया, दो टीम हो गया, तीन टीम हो गया, चार टीम हो गया, पांचवा टीम की अगर बात करते हैं तो एक नया टीम आप लोग इससे पहले आईपीएल में नहीं देखे होंगे वहां पे, तो यूपी वॉरियर आप लोग को देखे होंगे, यूपी वॉरियर इनका नाम है यानी कि इस टीम का और यूपी वॉरियर। तो 5 टीम यहाँ पे महिलाओं का क्रिकेट को आयोजन करवा रहा है और इसमें टोटल 22 मैच होगा। इसमें ऐसा भी कहा गया कि 87 जो है प्लेयर को बोली लगाया गया, 87 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको बोली लगाया गया, जिसपे लगभग में हम बात कर रहे हैं जिसपे लगभग में 60 करोड़ रुपया, यानी कि जितना भी ये पांचों फ्रेंचाइजी आपको नजर आ रहे हैं जैसे RCB, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल और आपका गुजरात जायंट्स होगा, यूपी वॉरियर, इन्होंने मिलकर टोटल 60 करोड़ रुपया खर्चा किया है और ये 87 क्रिकेट खिलाड़ी जो है उनको शामिल किया है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये लिस्ट आपको दिया हुआ है, यानी कि पहला मैच जो होगा वो कहाँ पे होगा, DY पाटिल स्टेडियम जो है वहां पर होगा, जो कि गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा, मुंबई इंडियंस और आपका गुजरात जायंट्स, जिनका भी मुंबई इंडियंस फैन है भाई, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि 5 टीम में से आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। महिलाओं का क्रिकेट है तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करने की आवश्यकता है, इंडियन प्रीमियर लीग में देखा था कितना बोली लगता था, मगर कोई बात नहीं यहाँ पर भी बोली लगा है, पैसा अच्छा खासा खर्च किया गया है,
तो पहला मैच जो होगा 4 मार्च को होगा और जो अंतिम मैच होगा, अब देखो होली का सीजन चल रहा है, होली का सीजन आने वाला है, भर होली मैच आप देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को जो है लास्ट मैच जो होगा वो कब होगा, तो लास्ट मैच जो होगा ये आप लोग को जो है 26 मार्च को खेला जाएगा। 26 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आप लोग को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं जो कि मैच होगा, लास्ट वाला जो मैच होगा ये 26 मार्च को खेला जाएगा। अब ये मत पूछ देना कि सर केकरा केकरा बीच में, क्योंकि ये जो मैच होगा पहला वाला तो मैं बता दिया कि पहला मैच किनके किनके बीच होगा। पहला मैच होगा ये गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा, और लास्ट मैच वाला में अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तो बहुत सारा खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूँ कि टोटल यहाँ पर जो खर्चा किया गया है 87 क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किया गया, जिसमें लगभग में 60 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तो जिसमें पहला नंबर पे 3.4 करोड़ रुपया, यानी कि सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी जो रहे स्मृति मंदाना, फिर एशले गार्डन की अगर बात किया जाए। टॉप 10 में अगर देखा जाए ना महिलाओं में, देखो यहाँ पर 2 करोड़ में जो है यहाँ पर शेफाली वर्मा को भी यहाँ शामिल किया गया था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल के लिए खेलेंगे। पूजा वस्त्रकार जो है इनको 1.9 करोड़ रुपया में, ऋचा घोष भी है इंडिया के लिए ही है, इंडिया के खिलाड़ी है। और जिनको ये किनके लिए खेलेंगे तो ये याद रखना है यहाँ पे जो कि गुजरात जायंट्स के लिए खेलेंगे 1.9 करोड़ रुपया में। ये गुजरात नहीं, ये आपको याद रखना है, ये आरसीबी के लिए खेलेंगे। किनके लिए? आरसीबी के लिए खेलेंगे, याद रखना ये आरसीबी के लिए खेलेंगे। ऋचा घोष जो है ये आरसीबी, देखो आरसीबी का जो कलरवा रहता है वो कैसा रहता है, कलर जो रेड टाइप का रहता है ना, तो हरमनप्रीत कौर जो है ये मुंबई इंडियंस 1.8 करोड़ रुपया में। और वहीं आपको याद करना है केवल भारतीय वाला के याद कर लेना और टॉप 3 का रैंकिंग याद रख लेना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट था, मैंने बता दिया। और इससे संबंधित एक सवाल आप लोग को छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर करना है कि बताना है कि महिला प्रीमियर लीग जो है उसमें सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी कौन रहा। सबसे महंगा खिलाड़ी की अगर बात किया जाए कि जो है वुमेन्स का, जो महिलाओं का जो प्रीमियर लीग जो है 4 मार्च 2023 से शुरू हो रहा है, उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा। अगर इससे संबंधित कोई और फैक्ट है जो आपको पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा, मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।